नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोहित सिंह। ओला इलेक्ट्रिक कार की पहली झलक सामने आने के बाद अब इसकी कीमत का भी खुलासा हो गया है। कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने इस गाड़ी की प्राइस रेंज सार्वजनिक कर दी है। ओला साल 2024 तक अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को सड़क पर उतारने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके साथ कंपनी की 2026-2027 तक 10 लाख कारों की बिक्री की योजना है। बताते चले कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर ओला ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के राज से पर्दा उठाया था। आम लोगों को ओला इलेक्ट्रिक कार के फ्रंट लुक की झलक भी मिली थी, साथ ही कुछ फीचर्स से रूबरू कराया गया था। ओला इलेक्ट्रिक कार की सबसे अहम खासियत है सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक का साथ देने का दावा। कंपनी का अगला दावा यह है कि यह कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में महज 4 सेकंड का समय लेती है। कंपनी का दावा है कि ओला की यह कार भारत में अब तक की सबसे स्पोर्टी कार होगी। कार के लुक को रिफ्रेशिंग बनाने के लिए ऑल ग्लास रूफ देने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कीमत के बारे में सस्पेंस बनाए रखते हुए भाविश अग्रवाल ने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका हिंट ज़रूर दिया है। ओला की पहली इलेक्ट्रिक कार की कीमत 40 से 50 लाख रुपए के बीच होगी। इसके अलावा अग्रवाल ने यह भी कहा कि ओला की प्रोडक्शन रेंज दोपहिया वाहनों के लिए 1 लाख रुपए से शुरू होकर प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों के लिए 40 से 50 लाख रुपए तक जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य मध्यम आकार के इलेक्ट्रिक वाहन, छोटे वाहन और प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में ग्लोबल लीडर बनने की है और कंपनी के पास इसके लिए पूरा रोडमैप भी तैयार है। जानकारी के लिए बता दें कि ओला ने 15 अगस्त को ही अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 भी लॉन्च किया है। महज 99,999 रुपये में आने वाले S1 में भी S1 प्रो जैसी ही ग्लासी बॉडी स्टाइल देखने को मिलती है। S1 के बारे में सिंगल चार्ज में 131 किलोमीटर तक चलने का दावा किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।